तो बच्चों, मैंने आपको संप्रदान कारक से पहले कर्ता, कर्म व करण कारक पढ़ाया था। अगर आपको इनमें से कोई भी तीनों कारक समझने हो तो आप पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री देख सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, सबसे पहले तो हम बता दें, जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है किसी के देने के अर्थ में, तो वहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का। तो आइए जानते हैं इसके सूत्र वगैरह से, क्योंकि कोई एक वस्तु देने के योग में ही नहीं है, कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक का फर्स्ट सूत्र क्या कहता है, कर्मणा यम्भी प्रैति सह संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने, यानी कि जिसे कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था। नृपः विप्राये गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब राजा ने ये इच्छा व्यक्त नहीं की कि वो उससे ब्राह्मण से वापस लेगा। जब हम ब्राह्मण को कोई भी काम, कोई भी चीज़ देते हैं तो हम उससे वापस लेने की इच्छा नहीं रखते, यानी कि वे चीज़ हमारे लिए समाप्त हो जाती है और दूसरे को चली जाती है। यानी कि एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, नृपः निर्धनाय वस्त्राणि ददाति, कि राजा निर्धन को या गरीब को वस्त्र देता है, तो राजा वस्त्र वापस लेने के लिए तो नहीं दे रहा, तो यहाँ पे वो चीज़ समाप्त हो गई। अगर थोड़े समय के लिए किसी को कोई वस्तु दी जाती है और उससे वापस ली जाती है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आगे जानते हैं, जब कोई वस्तु सदा के लिए दी जाती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तभी वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके विपरीत जहाँ कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाती है और दाता का उस पर से अधिकार समाप्त नहीं होता, यानी कि देने वाले का अधिकार समाप्त नहीं होता, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, बल्कि कौन सी विभक्ति बताई थी, षष्ठी विभक्ति होती है। यथा स रजकस्य वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को वस्त्र देता है। अब जब कोई भी धोबी को वस्त्र देगा तो हमेशा के लिए तो देगा नहीं, थोड़े समय के लिए देगा और धोबी उसे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, षष्ठी। हालांकि हिंदी अनुवाद करते समय यहाँ पे को ही आएगा, वह धोबी को वस्त्र देता है, तो यानी कि ये नहीं कि वह धोबी के लिए वस्त्र देता है। तो यहाँ पर आपको शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आया रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ की रुचि हो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। आइए देखते हैं ऐसे कौन से सेंटेंस है, यथा हरे रोचते भक्ति ही, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हरि को भक्ति अच्छी लग रही है ना, और रुच धातु है रोचते, तो रुच धातु के योग में हरि में कौन सी भक्ति आ जाएगी, चतुर्थी। तो हरि का चतुर्थी एक वचन क्या बना, हरे, क्योंकि एक हरि है। बालकाय रोचते क्रीडनम, बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, चतुर्थी विभक्ति किसमें, बालकाय में। नेक्स्ट सूत्र क्या आया, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या स्वार्थानाम यम प्रति कोप है, यानी कि इन शब्दों के योग में कौन कौन से, क्रुद्ध मीन्स गुस्सा करना, द्रुह मीन्स शत्रुता करना, ईर्ष्या मीन्स जलन करना या डहा करना, डहा। असूय मीन्स निंदा करना, निंद धातु भी यूज कर सकते हो इसके योग में, और या असूय धातुओं तथा इनकी समानार्थक धातुओं के योग में, यानी कि जिसके प्रति गुस्सा किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुद्यति या द्रुहति या ईर्ष्यति या असूयति, असूयति वा मीन्स या, इन सब में से कोई भी शब्द आ जाए तो आपको यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। स्वामी नौकर पर गुस्सा करता है या ईर्ष्या करता है, जलन करता है, जो भी निंदा करता है, जो भी आप वर्ड क्रिया यूज करोगे उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो स्वामी नौकर से क्रोध करता है या नौकर पर क्रोध करता है, तो क्रुद्ध धातु के योग में या ध्रुव धातु के योग में नौकर में चतुर्थी विभक्ति। जैसे माता पुत्राय क्रुद्यति, तो माता पुत्र पर गुस्सा कर रही है या माता पुत्र से गुस्सा करती है,
क्रोध करती है, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये नम है। स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वस्त्र योगांच, यानी कि इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ये सारे शब्द हमारे उपपद विभक्ति में भी आते हैं, तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, नमः भगवते वासुदेवाय, यानी कि भगवान वासुदेव को नमस्कार। नमः रामाय, राम को नमस्कार। नमः गणेशाय, गणेश को नमस्कार। कहने का मतलब यह है कि नमः शब्द अगर यूज़ कर रहे हो तो गणेशाय, रामाय, वासुदेवाय, इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का। स्वस्ति, नेक्स्ट वर्ड आया स्वस्ति, यानी कि कल्याण के लिए। बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। बालकेभ्य स्वस्ति, बालकों का कल्याण हो। अगर हम बहुवचन में दे रहे हैं तो इसको बहुवचन में ले आओ। दो बालकों के लिए दे रहे हैं तो बाल का भी हम ले आओ। बहुत सारे बालकों के लिए तो बालकाय, बालकेभ्य स्वस्ति, बालकों का कल्याण हो। और अगर एक वचन बालक का कल्याण हो तो बालकाय। नेक्स्ट आया अग्ने स्वाहा। स्वाहा शब्द यज्ञ वगैरह करते हुए यूज़ किया जाता है, तो स्वाहा शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। मूल शब्द है हमारा अग्नि और इसका चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? अग्ने, अग्ने स्वाहा, अग्नि के लिए बलि है। आगे एक और शब्द आया अलम। स्वद, स्वधल, स्वद, अलम, स्वधलम। तो यानी कि अलम शब्द के योग में। अलम शब्द अगर बस आ जाए तो तृतीय विभक्ति आ जाती है, लेकिन अगर अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त अर्थ में हो, पर्याप्त, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्या है? राक्षसेभ्यो हरि अलम, हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त है। और अगर यही अलम तृतीय विभक्ति में आ जाए, हंसना बंद करो अलम हंसने, शोर मत करो अलम कोलाहलेन, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। लेकिन जब अलम शब्द का पर्याप्त अर्थ में आ रहा है कि मेरे लिए ये काफ़ी है, मेरे लिए पर्याप्त है, हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, स्पृही इरिप्सित है, यानी कि स्पृही मीन्स चाहना। धातुओं के योग में इप्सित, किसी वस्तु को जब बहुत अधिक चाहा जाता है तो उस वस्तु में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम है धनाय स्पृहति, राम धन को चाहता है। यहाँ पे राम की इच्छित वस्तु क्या है? धन। राम सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है? धन को। तो यहाँ पे धनाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का। इसलिए स्पृह धातु के योग में धनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अब हम इसी को यहीं पे ही रोकते हैं और आप इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस कर सकते हैं। मैं आपको सेंटेंस दे देती हूँ चतुर्थी विभक्ति के, आप इसका अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट है, श्याम है रामाय पुस्तकम ददाति। बताइएगा मेरे को कि किसके योग में मैंने राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। और गुरुवे नमः है, इसके योग में मैंने कौन सी भक्ति का प्रयोग किया है। एक और सेंटेंस बनाएंगे जो मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको संस्कृत बनानी है। छात्रों को पढ़ाई अच्छी लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका सहयोग मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हरिओम।